विकास के क्रम में हम इस समय ग्राम सभा मोधा ब्लॉक सैदपुर गाजीपुर पहुंच चुके हैं और ग्राम प्रधान के द्वारा विकास किए गए नाली खड़ंजा पोखरे और स्कूल को भी हम आपको दिखाएंगे। इसके पहले हम चलते हैं प्रधान जी से बातचीत करते हैं। परिचय बताइए। मैं अनिल खैरवार, अध्यक्ष मोधा ग्राम उन्नयन समिति। प्रधान कौन है यहाँ का? हमारी वाइफ है। नाम बताइए। श्रीमती भारती खैरवार। भारती खैरवार। और आप क्या करते हैं? हमारा बिजनेस है। बिजनेस है। और समाज सेवा में मोधा गांव में आप क्या क्या किए हैं अपने स्तर से? समाज सेवा में हम लोगों का जनवरी महीना से कार्य स्टार्ट हो जाता है। जनवरी महीना में हम लोग खेल कूद प्रतियोगिता करते हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, बाहर बाहर से लड़के लोग आते हैं। दौड़ में दौड़ होती है, ऊँची कूद होती है, लंबी कूद होती है। इसके बाद में दोपहर के बाद में दंगल होता है, नामी ग्रामी प्रधान पहलवान लोग आते हैं। और टोटली अपने खर्चा पर कोई किसी से चंदा नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। और ये हमारे गांव का परंपरा है और जब से हम मोधा गांव में जिम्मेदारी संभाले हैं प्रधान का, अपने पैसा से स्वयं सब कार्य कर रहे हैं। अभी छठ पूजा का त्यौहार सामने आने वाला है, छठ पूजा पर क्या क्या करते हैं आप? इसके बाद में जनवरी महीना में करवाने के बाद में फिर 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन के उपलक्ष, उनके मृत्यु दिवस के उपलक्ष में हम लोग कंबल वितरण करवाते हैं। पूरा माने मोधा गांव के हमारे जितने लोग हैं सभी लोगों को एक एक कंबल दिया जाता है। इसके बाद में आपका छठ पूजा होता है, छठ पूजा में हम लोग कैंप लगाते हैं अपने मोधा गांव के जो पोखरा उसमें सुंदरीकरण करवाया गया है माताएं बहने के लिए जो छठ करती हैं। अच्छा प्रधानपति जी, ये बताइए कि छठ पूजा में व्रती महिलाओं को आपकी तरफ से क्या योगदान होता है? सारी सुविधा हम लोग हमारे वॉलेंटियर रहते हैं, हम लोग देखते हैं कोई असुविधा नहीं हो, हमारी माताएं बहने को पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग सुबह के टाइम में अर्घ देने के लिए दूध देते हैं लोटा में करके, जो अपनी माताएं बहने अपने घर ले जाती हैं लोटा, हर साल हम लोग देते हैं। लोटा भी देते हैं? लोटा हर साल दे देते हैं। लोटा में जो अर्घ देती हैं वो अपने घर ले जाएं। अच्छा। इसके बाद में नाश्ता का जलपान का व्यवस्था रहता है, शाम के टाइम में चाय बिस्कुट का व्यवस्था रहता है। तो माताएं बहने तो चाय बिस्कुट नहीं खाएंगे, और लोग जो आते हैं दर्शक लोग आते हैं उन लोगों माने जो लोग दर्शन करने आते हैं वहाँ पर, उनके घर वाले लोग जो व्रत नहीं किए रहते हैं उनके लिए घाट बनवाया गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लाइट वाइट लगवा देते हैं, कोई तरह का असुविधा नहीं हो, पूरा रोशनी से जगमगाता है हमारा घाट। अच्छा, इतना सोशल वर्क करते हैं। जो कोई व्यक्ति गांव में मर जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं? हम लोग प्रति जो सक्षम है जी, जो माने संपन्न है, जो माने कि अपने आप को माने कोई चीज़ का कमी नहीं उनको है, तो उनको छोड़ करके बाद बाकी का जो लोग ज़रूरतमंद है 2000 रुपया हम लोग अपने तरफ से देते हैं। अपने तरफ से लकड़ी का समझ लीजिए या ट्रैक्टर का समझ लीजिए, जो हमारी औकात है उस औकात के हिसाब से हमारा योगदान रहता है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संजय सिंह। संजय सिंह किस गांव के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं लहंगपुर जी। लहंगपुर जिले हैं, भैया के साथ ही रहते हैं। अच्छा। इनके सानिध्य में ही इनका कार्य जो होता है उसकी देख रेख करते हैं। प्रधान जी के साथी हैं? हाँ, ये हमारे बड़े। तो प्रधान जी ने बताया, प्रधान जी काफ़ी सोशल वर्कर हैं तो इनके मतलब साथ में रहते हैं, तो आप बताइए क्या क्या काम करवाते हैं आप? प्रधान जी का उद्देश्य युवाओं के प्रति इनका विशेष रुचि रहती है, जो भी युवा वर्ग है उनका, उनको अगर किसी तरह का ज़रूरतमंद होते हैं उनका प्रोत्साहन करते हैं, खेल कूद हो, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ में उनका योगदान देने के लिए हमेशा जो है अग्रसर रहते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में है लेकिन उसको भाई उसकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसके पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी करवाते हैं। अगर कोई माता बहन या बच्ची है उसको अगर किसी प्रकार की तकलीफ है
पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, वहाँ भी देखते हैं। और जो भी गांव में समाज सेवामूलक कार्य होता है, युवाओं को जोड़ कर रखते हैं, प्रेरित करते रहते हैं और बोला जा रहा अनुशासन में रहने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। यही है उनका कार्य, बराबर कार्य चलता रहता है। क्या नाम आपका? ऋषभ खरवाल। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं 10th class में। 10th class पढ़ते हैं। आप बताइए अपना नाम। सेचन खरवाल। सेचन खरवाल। आपका नाम? राजवंशी। क्या करते हैं? जी घर पर रहते हैं, देखते हैं। कुछ आप अपने हाथ में कागज़ पत्र लिए हुए हैं? जी। किस काम से प्रधान जी के आए हुए हैं? अब हमको 6 महीने से राशन नहीं मिलता है सर। तो राशन कार्ड बनवाने आए हैं? जी राशन कार्ड बना है। अच्छा, लेकिन कोटेदार देते नहीं हैं। कोटेदार का नाम बताइए जी। उनकी पत्नी है मतलब। और नाम बताइए कोटेदार का। परशुराम। परशुराम जी। आपको राशन नहीं देते, ब्रांड भगा देते हैं? जी नहीं देते।